अगर आप बरकरार रखना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी की कमल निशान की सरकार बनानी पड़ेगी। आप चाहते हो कि 24 में फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, आप चाहते हो क्या? जोर से बोलो, चाहते हो क्या? पक्का चाहते हो? अगर मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है तो हमारे अभ्यर्थी को यहाँ से कमल के निशान
माताओं भाइयों बहनों, कर्नाटक का विकास, कर्नाटक की समृद्धि और कर्नाटक का सुरक्षा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मुझे बताओ बेंदूर वालों, एक बात बताओ, यहां से हमारे भाई को प्रचंड बहुमत से जिताओगे? पक्का जिताओगे? पक्का जिताओगे? पक्का जिताओगे? तो आप सुनो सुनो सुनो, इसकी लीड 15,000 से ज्यादा होनी चाहिए, होगी क्या? पक्का? पक्का? मैं आपको वादा कर, सुनो सुनो, अरे सुनो ना, सुनो ना, आप 50,000 कह रहे हो, 50,000 की लीड से अगर जिताया तो मैं जीतने के 20 दिन के अंदर विजय सर्कस में जरूर आऊंगा। जिताओगे? जिताओगे? लीड कितनी होगी? लीड कितनी होगी? लीड कितनी होगी? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी दीजिए, मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जुर्गत में मैं जरूर आऊंगा, ये मेरा वादा है। तो बेंदूर से गृह मंत्री अमित शाह की ये रैली भी आप देख रहे हैं, साथ ही साथ रोड शो उन्होंने किया और जनता को संबोधित भी किया। मिशन कर्नाटक पर हैं गृह मंत्री अमित शाह और आज का दिन चुनाव प्रचार के लिहाज से, कर्नाटक के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण था। जहां एक तरफ आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी कर्नाटक में ही हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस भी धुआंधार प्रचार कर रही है। आने वाले समय में क्योंकि कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसीलिए दोनों पार्टियों की तैयारी पूरी।